मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान सिंह चौहान, K2 क्लासेस निर्देशक, अपने K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और साथ ही साथ आप सभी को ये भी ज्ञात हो गया होगा कि रेलवे NTPC और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 दिसंबर से पेपर होने की संभावना है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का टॉपिक असमानताएं रखी है, जो रीजनिंग का एक विशेष टॉपिक है। इस टॉपिक पर बच्चा 4 स्टेटमेंट दिखे, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, ये आपके पास गिवन रह रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सेकंड स्टेटमेंट है ए इज नॉट लेस देन बी। थर्ड स्टेटमेंट है ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। फोर्थ स्टेटमेंट है ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी। और लास्ट स्टेटमेंट है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी। ये 5वां स्टेटमेंट बच्चा पेपर में आपके पास पेपर में गिवन होंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, लिखा है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मीनिंग ए बी से बड़ा नहीं है। तो यदि ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ए बी से किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि या तो ए बी से छोटा रहा होगा या फिर ए बी के इक्वल रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम और आपके बीच में रिलेशन अगर हम चेक करते हैं तो मैं आपसे या तो बड़ा हो सकता हूँ या फिर मैं आपके इक्वल हो सकता हूँ या फिर मैं आपके आपसे छोटा हो सकता हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ए बी से या तो छोटा रहा होगा या फिर इक्वल रहा होगा। ए इज लेस देन बी इक्वल टू बी। इसी प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट देखो, ए इज नॉट लेस देन बी, मीनिंग ए बी से छोटा नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर बी के इक्वल है। नेक्स्ट, ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ना तो बी से बड़ा है और ना बी के बराबर है। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका अर्थ हुआ कि यदि वो बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो फिर किस प्रकार से रहा होगा, वो फिर छोटा रहा होगा। ए बी से कैसा रहा होगा, छोटा रहा होगा। नेक्स्ट, ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी, ए ना तो छोटा है और ना बराबर है बी के। तो छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ए फिर किस प्रकार से रहा होगा, ग्रेटर देन बी। लास्ट, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, ना तो बड़ा है और ना छोटा है। ए ना बड़ा है और ना छोटा है, तो फिर ए किस प्रकार से, ए का रिलेशन बी से किस प्रकार से रहा होगा, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ये कंडीशन है बच्चे, आपको खुद बनानी होती है। जब आपकी कंडीशनें बन जाएगी फिर इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट रहेगा और फिर लास्ट में आपके कंक्लूजन रहेंगे। उस स्टेटमेंट को देखते हुए कंक्लूजन को चेक करने होते हैं। यहाँ पर एक और बात है कि एक साइन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस प्रकार से इसमें साइन यूज हो रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज माउथ।
इस साइन का ये जो पार्ट है ये होता है क्लोज माउथ, ये होता है क्लोज माउथ, और ये जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं ओपन माउथ। क्वेश्चन में हम क्लोज माउथ और ओपन माउथ ही यूज़ करेंगे। जो क्लोज माउथ है इस पार्ट को कहते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कि इस साइन का स्मॉलेस्ट पार्ट शो कर रहा होता है। जो ये ओपन माउथ है ये इस साइन का ग्रेटेस्ट पार्ट को शो करता है, ग्रेटेस्ट पार्ट को शो करता है। अब आप जानते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे होंगे, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इन बातों को आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा बच्चा आपके पास, मैं स्टेटमेंट को बना रहा हूँ। देखिए ये रहा होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, ठीक है ना। डी इज ग्रेटर देन एफ फर्स्ट फंक्शन, डी इज लेस देन इक्वल टू सी सेकेंड फंक्शन, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी, इस प्रकार से स्टेटमेंट रहेगा। फिर आप पास नीचे कॉन्क्लूजन रहेंगे, कॉन्क्लूजन फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सेकेंड ए इज लेस देन इक्वल टू एफ, थर्ड सी सी इज ग्रेटर देन एफ, डी डी इज ग्रेटर देन ए। ये आप पास चार कंक्लूजन दिया हमने, अब इसे समझेगा। स्टेटमेंट है ये आपके कंक्लूजन है, स्टेटमेंट मतलब कथन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। जैसे आपके पास स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके थ्रू आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, चार विकल्प आपके पास है, यानी कि इस इन स्टेटमेंट से बनकर आ रखे हैं। तो यहाँ हमें चेक करना है कौन सा आपका ट्रू कौन सा फॉल्स है, दैट मीन्स एक इसमें से कोई सही होगा तीन गलत रहे होंगे। तो इसे चेक करने के लिए इन स्टेटमेंटों की एक पहले चैन तैयार करनी होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो चैन बच्चा किस प्रकार से बनेगी, चैन इन स्टेटमेंटों के किसी भी एक फंक्शन को आप नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास फंक्शन ये भी एक सेपरेट फंक्शन है, ये सेपरेट फंक्शन, ये भी सेपरेट फंक्शन है और ये भी सेपरेट फंक्शन है। किसी भी एक फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस फंक्शन का यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं किसी का करना यूज़, आप किसी भी एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आपने इस फंक्शन को यूज़ किया है तो आप इसे यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए, और इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जो भी आप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं उसको सेंटर पॉइंट पर रखिएगा, क्योंकि आपका चैन लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है। तो हमने इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास डी और सी है, क्या है डी और सी। अब ऊपर आप इन स्टेटमेंट में यदि आपको कहीं डी दिख रहा है तो आप डी का यूज़ कर सकते हैं, आपको सी मिल जा रहा तो सी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर डी दिख गया है, सी भी है, मैं डी का यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो सी का भी कर सकते हैं। डी की साइड यहाँ कैसा माउथ है, ओपन, डी की साइड यहाँ माउथ कैसा है, ओपन, तो यहाँ मैं ओपन माउथ को रखूँगा, ये ओपन माउथ रख दिया, और फिर क्या आपके पास एफ एफ यानी कि दो फंक्शन मेरे यहाँ यूज़ हो गए इस चैन पर। नेक्स्ट इन तीनों लेटर में से कोई भी ऊपर एक मिल जाए, जैसे एफ है डी है सी है, तो हमको यहाँ पर सी दिख जा रहा है, मीन्स इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। सी की साइड यहाँ पर कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, सी की साइड कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, तो यहाँ पर सी की साइड आप क्लोज माउथ को रखिए, और फिर ओपन माउथ किस साइड आएगा, बी। अब ये भी यूज़ हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब लास्ट ये बचा, और यहाँ पर बी है,
तो बी की साइड देखो आप कैसा माउथ है, क्लोज माउथ। क्लोज माउथ साथ में इक्वल भी है और ए की साइड ओपन माउथ। ये आपकी चैन बन गई। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा ये चैन, यदि आपसे चैन बन गई तो इन ऑप्शनों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा चेक करने में। जैसे पहला ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, यहाँ देखिए आप लोग ए और डी, आपने देखा ए और डी दिया है तो आप चैन में चेक कीजिए से कि ए और डी कहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पर ए मेरा यहाँ पर है और डी मेरा यहाँ पर है, ए यहाँ पर और डी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब आप एक बात समझिएगा कि मैं इस ए और डी को कैसे फाइंड करूँगा कि ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी है। तो पहला पॉइंट बच्चा, मैं फर्स्ट पॉइंट इसके लिए आपको समझाना चाह रहा हूँ और इसी पर मैं चर्चा भी करूँगा। पहला पॉइंट कि जब हम इसे चेक करेंगे तो इन्हें चेक करने के लिए मुख्यतः चार पॉइंटों का यूज होता है, चार, इसमें चार पॉइंट है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वह है इक्वल, इक्वल टू कहाँ नहीं आएगा। पहला पॉइंट हमारा इक्वल टू कहाँ नहीं आएगा और इस पर ही मैं चर्चा करूँगा अभी। तो देखिए बच्चा आप लोग यहाँ पर इक्वल टू कहाँ नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा हमने लिखा है। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी में रिलेशन चेक हो जा रहा है, यानी कि ए बी से बड़ा है और बी इज ग्रेटर देन सी, बी और सी के बीच में रिलेशन पता कर ले रहे हम कि बी सी से बड़ा है। परंतु यदि मुझे ए से सी का रिलेशन चेक करना है तो मैं यहाँ नहीं चेक कर पा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो मैं यहाँ एक ऊपर पॉइंट लिखा बच्चा कि इक्वल टू कहाँ नहीं आएगा, तो पहली बात कि इन दोनों फंक्शन पर इक्वल है नहीं, इन दोनों फंक्शन पर इक्वल है नहीं तो फिर ए और सी के लिए इक्वल तो आएगा नहीं, क्योंकि जब इक्वल है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि इस कंडीशन पर इक्वल तो नहीं आएगा, जब कहीं आपका इक्वल ही नहीं तो इक्वल होगा नहीं इनके लिए। अब आई प्रॉपर्टी ग्रेटर एंड लेस देन की, कि ए बड़ा है या सी बड़ा है। तो ए की तरफ देखिए यहाँ पर कैसा माउथ है, ओपन माउथ। तो ए की तरफ आप ओपन माउथ रख सकते हैं, सी की तरफ क्लोज माउथ है, सी की तरफ क्लोज माउथ है। इस प्रकार से ए इज ग्रेटर देन सी, ये बात क्लियर। अगली एक और बात समझाता हूँ, मैंने कहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी। अब आप फिर से कह सकते हैं कि ए और बी का रिलेशन चेक हो जा रहा है क्योंकि ए बी से बड़ा है या बराबर है, बी सी से बड़ा है, लेकिन ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है इस बात को चेक कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे ए और सी के लिए रिलेशन चेक करना है तो पहला जो पॉइंट हमारा वो इक्वल टू का केस है कि इक्वल टू किस कंडीशन पर नहीं आता है, उस और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो अब देखिए आप लोग कि इस फंक्शन पर इक्वल है और इस वाले फंक्शन पर इक्वल नहीं है। आई अगेन रिपीट कि इस फंक्शन पर इक्वल है और इस फंक्शन पर इक्वल नहीं है। यदि ये कंडीशन हुई कि एक फंक्शन पर इक्वल है और नेक्स्ट फंक्शन पर इक्वल नहीं है तो फिर इस कंडीशन पर आपका ए और सी के लिए इक्वल नहीं आएगा, इस कंडीशन पर ए और सी के लिए इक्वल नहीं आएगा। एक एक जगह आप पास इक्वल नहीं है और जगह है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर इनके लिए इक्वल नहीं होगा, इनके लिए इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ए से सी का रिलेशन बताना मुझे, तो इक्वल तो नहीं आएगा। अब सेकंड बात कि ग्रेटर एंड लेस की प्रॉपर्टी लगानी, ए की तरफ कैसा माउथ है ओपन, तो आप ए की तरफ ओपन माउथ लगाओ और सी की तरफ कैसा माउथ है क्लोज माउथ। इस प्रकार से ए और सी में रिलेशन चेक हो गया है। एक और बात बताता हूँ कि मान लीजिए ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पर कि ए बी से छोटा है और बी या तो सी से छोटा या बी के बराबर है।
बी सी से छोटा हो सकता है या बी सी के बराबर हो सकता है, इस बात से ही बात कर रहा है, इस साइन से ही बात प्रूफ हो रही है। अब अगर मुझे ए और सी का रिलेशन चेक करना है, अगर मुझे ए और सी के लिए रिलेशन चेक करना है, तो ए और सी के लिए रिलेशन देखिएगा, इस फंक्शन पर इक्वल नहीं है और इस फंक्शन पर इक्वल है, इस फंक्शन पर इक्वल नहीं है और इस फंक्शन पर इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों के लिए अब इक्वल नहीं आएगा, ए और सी के लिए इक्वल नहीं आएगा। तो ए और सी के लिए इक्वल तो आएगा नहीं। अब प्रॉपर्टी को चेक कीजिए ग्रेटर लेस देन की, ए की तरफ कैसा माउथ रखा है, ए की तरफ माउथ रखा है क्लोज, तो यहाँ आप ए की तरफ क्लोज माउथ रख दीजिए और सी की तरफ ओपन माउथ। इस प्रकार से ए और सी में प्रॉपर्टी लग जाएगी कि ए बड़ा है और सी छोटा है, सॉरी ए छोटा है और सी बड़ा है, कोई डाउट? अब इस बात का यूज मैं इस पॉइंट पर करूँगा। देख, हमने कहा था कि ए और डी के लिए हमें चेक करना है, ए और डी, ए मेरा यहाँ पर है और डी मेरा यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो इक्वल है परंतु यहाँ नहीं, फिर यहाँ पर है। तो यदि आपका यहाँ इक्वल नहीं है तो आगे फिर इक्वल नहीं आएगा ए के लिए, क्योंकि पहले तो ए डी और बी का रिलेशन बनेगा और डी और बी के लिए यहाँ से इक्वल नहीं आएगा। जब डी और बी का रिलेशन बनेगा तभी तो आपका डी और ए का रिलेशन बन पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है, और यहाँ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए और डी के लिए इक्वल नहीं आएगा। एक भी बी फंक्शन अगर इक्वल नहीं होगा, एक भी फंक्शन पर अगर इक्वल नहीं होगा, तो फिर आगे के फंक्शन के लिए इक्वल नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए और डी के लिए इक्वल नहीं आएगा, और इसने यहाँ पर इक्वल दे रखा है, इसने यहाँ पर इक्वल दिया है, ये इसने इक्वल दिया है, तो ये बात गलत हो गई है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को चेक कीजिएगा, अगेन वही बात कि अगर ए और डी के लिए चेक करना है तो यहाँ इक्वल नहीं है और यहाँ इक्वल दे रखा है। ए और एफ के लिए, ए और एफ के लिए आते हैं तो यहाँ इक्वल है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इक्वल तो नहीं आएगा, और इसने इक्वल दे दिया यहाँ पर, इसका मतलब ये फंक्शन भी गलत। नेक्स्ट सी और एफ के लिए देखिए, सी मेरा यहाँ पर है, एफ मेरा यहाँ पर है। सी और एफ के लिए देखिए, यहाँ इक्वल है और यहाँ नहीं है, तो इक्वल तो आएगा नहीं और इसने दिया भी नहीं, तो एक बात सही हुई। सेकंड बात, इक्वल अब नहीं है यहाँ पर, तो ये बात तो ठीक है। प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, एक सी की तरफ कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, सी की तरफ कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, सॉरी एफ की तरफ कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, यहाँ पर भी एफ की तरफ कैसा माउथ है, क्लोज माउथ, और सी की तरफ फिर कैसा माउथ, ओपन माउथ, यानी कि ये सही है। प्रॉपर्टी भी सही लगी है, इक्वल टू भी नहीं आ रखा है, तो ये सही है। नेक्स्ट डी और ए में, डी मेरा यहाँ पर है और ए मेरा यहाँ पर है, इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ रखा, इस बात से ये ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, डी और ए के लिए यहाँ इक्वल है और यहाँ नहीं है, तो आगे फिर इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं दे रखा इसने इक्वल, ये बात ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी लगाई इसने, क्या ये भी सही है? तो इस प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, ए की तरफ कैसा माउथ है बच्चा, ओपन माउथ, और यहाँ पर ए की तरफ कैसा माउथ रखा इसने, क्लोज माउथ। आई अगेन रिपीट, ए की तरफ कैसा माउथ है, ओपन माउथ, और यहाँ पर क्या माउथ रखा उसने, क्लोज माउथ। जो आपका साइन यहाँ होगा वही साइन आपका यहाँ भी होना चाहिए, इसका मतलब ये माउथ गलत लग चुका है, ये साइन गलत लगाया, तो ये फिर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। कोई डाउट? एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो स्टेटमेंट है के इज लेस देन इक्वल टू पी, सेकंड है एम इज ग्रेटर देन पी, एन इज ग्रेटर देन एम, और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। Conclusion, first P is greater than equal to T, second
P is less than equal to T. Third, N is greater than equal to K. Four, M is less than T. Five, K is less than N. 6, K is greater than M. इस प्रकार से ऑप्शन देख फिर समझे। यहाँ मैंने स्टेटमेंट रखा है K is less than equal to P, M is greater than P, N is greater than M, T is greater than and equal to N। कंक्लूजन आपके पास है P is greater than equal to T, P is less than equal to T, N is greater than equal to K, M is less than T, K K is less than N, K is less than N और K is greater than M। सबसे पहले यहाँ चैन तैयार कीजिएगा। चैन किस प्रकार से बनेगी? चैन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए कोई भी एक फंक्शन यूज कर लीजिए। मान लीजिए इस बार आप इस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं, लास्ट फंक्शन को। तो लो T इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, ये यूज हो गया। अब T और N में से ऊपर चेक कीजिए, क्या N मिल पा रहा है? हाँ N मिल गया। यहाँ पर N की तरफ कैसा माउथ है? ओपन माउथ। आप भी ओपन माउथ रखिएगा। और M, क्या M और T में से कोई मिल जा रहा है? M मिल जा रहा है। M की तरफ कैसा माउथ है? ओपन माउथ। ओपन माउथ रखिएगा। और फिर है P, फिर P मिल जा रहा है। P की तरफ कैसा माउथ है? ओपन माउथ। ओपन माउथ भी है, साथ में इक्वल भी है। और फिर K, फिर क्या है? K, ठीक है ना? कोई डाउट? क्लियर है बच्चा बात? है तो इस प्रकार से मेरी चैन भी तैयार हो गई। अब आइए आप लोग कंक्लूजन पर। पहला फंक्शन हमने यूज़ किया यहाँ, सेकंड उसके बाद फंक्शन यूज़ किया, ये सेकंड फंक्शन ये यूज़ किया, फिर थर्ड फंक्शन ये यूज़ किया, फोर्थ फंक्शन ये यूज़ किया। बिल्कुल सही। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। इस चैन की हेल्प से ही ऑप्शन बनते हैं। पी और टी, पी और टी, पी मेरा यहाँ पर है और टी मेरा यहाँ पर है, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पर इक्वल है और यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं, तो इसका मतलब P और T के लिए इक्वल नहीं आएगा। मैंने अभी बात की यहाँ पर कि यदि एक फंक्शन पर इक्वल हुआ और दूसरे फंक्शन पर इक्वल नहीं है तो फिर आगे के लिए वो इक्वल नहीं बन पाता है। यानी कि यहाँ इक्वल इसने दे रखा है तो ये इक्वल नहीं आएगा, P और T के लिए इक्वल नहीं आएगा। इस बात से ये गलत हुआ। P और T में फिर जाओ, फिर से इक्वल नहीं आएगा, P और T के लिए इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ फिर से इसने इक्वल दे दिया, ये बात भी गलत। N और K के लिए देखो, N मेरा यहाँ पर है और K मेरा यहाँ पर है। N और K के लिए चेक कर रहा हूँ बच्चों। N और K के लिए देखो, देख N मेरा यहाँ पर है और K मेरा यहाँ पर है, तो देखिएगा यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इक्वल नहीं आएगा। और इसने इक्वल दे रखा है, ये बात गलत हो गई है। इस बात गलत हो गया एक ऑप्शन। M और T, M मेरा यहाँ पर है, T मेरा यहाँ पर है। देखें M यहाँ और T यहाँ पर है, यहाँ इक्वल नहीं है और यहाँ है, तो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि एक फंक्शन पर इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रखा। ये बात सही है, समझ पा रहे ना बात को? यानी कि इस बात से ही सही हो गया है कि यहाँ इक्वल नहीं था और यहाँ इक्वल है, तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा और नहीं आ रखा, तो ये बात सही है। अब सेकेंड बात, जब हमें ये तय हो गया है कि इक्वल नहीं आएगा, ये बात ठीक आ गई है, तो प्रॉपर्टी को चेक करो कि जो प्रॉपर्टी लगाई है ग्रेटर एंड लेस देन की, क्या सही है? तो देखिए ऊपर M की तरफ कैसा माउथ रखा है इसने, क्लोज माउथ। M की तरफ कैसा माउथ रखा है? क्लोज माउथ। यहाँ भी M की तरफ कैसा माउथ रखा है? क्लोज माउथ। बिल्कुल सही रखा है। जो प्रॉपर्टी ऊपर लगी हुई है, जिस प्रकार से ऊपर साइन यूज हुआ, बिल्कुल यहाँ भी वही साइन यूज होना चाहिए। M की तरफ क्लोज माउथ रखा है, तो यहाँ भी M की तरफ क्लोज माउथ है, इस वजह से ये ठीक हुआ है। T की तरफ ओपन माउथ रहा होगा। नेक्स्ट, K और N,
के मेरा यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, यहाँ इक्वल है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इक्वल तो आएगा नहीं, और इसने इक्वल दे भी नहीं रखा, ये बात ठीक है। प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, के की तरफ क्लोज माउथ है, के की तरफ क्लोज माउथ रखा बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। के और एम, के यहाँ है, एम यहाँ पर है, यहाँ इक्वल है और यहाँ नहीं है, तो इक्वल तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आ रखा, ये बात सही है। के की तरफ कैसा माउथ है, क्लोज माउथ और यहाँ ओपन माउथ, के की तरफ यहाँ क्लोज माउथ है और यहाँ ओपन माउथ रख दिया है, तो ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि इसने प्रॉपर्टी ठीक नहीं लगाई। क्लियर है बच्चा बात? तो ये मेरा पहला पॉइंट था बच्चा, इक्वल टू कहाँ नहीं आएगा, इस पर चर्चा हुई आज। इसके बाद इक्वल टू कहाँ आएगा उस बात पर चर्चा होनी, फिर नो रिलेशन का केस इसमें बनता है उस पर चर्चा होनी, फिर आइदर का केस बनता है उस पर चर्चा होनी, यानी कि मुख्यतः इसमें चार पॉइंट हैं, उन चार पॉइंटों से लेकर ये चैप्टर तैयार हुआ है। मैंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो ये इस प्रकार से आपको बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं फिर इसे फिर एक्सप्लेन करूँगा, फिर कल मिलेंगे इस पॉइंट को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।